दो सके भरावां दा कतल किया गया है। बेदर्दी दे नाल उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। एक भरा दी घर दे अंदर वड़ के हत्या की गई है ते दूजे नूं दुकान दे अंदर गोलियां दे नाल भुन दिता गया है। दोवां दी इक्को समें दे विच मौत होई है। परिवार ते दुखां दा पहाड़ टुट गया है। कहर दा जिहड़ा समा उन्हां दे लई है जदों इक्को समें दे विच दो पुत्तां दी मौत हो गई है। दो जवान पुत्त एक नूं घर दे विच वड़ के गोलियां दागियां गईयां ते दूजे नूं दुकान दे अंदर गोलियां दे नाल छलनी कर दित्ता गया। तां जिहड़ा शक है पुलिस दे वल्लों उह किराएदार दे उत्ते जाहर कीता जा रिहा है। पुलिस दा कहना है कि किराएदार दे उत्ते शक जताया जा रिहा है। मकान खाली करन नूं लैके कोई झगड़ा चल रिहा सी, कोई विवाद चल रिहा सी, जिस दे चलदिआं किराएदार दे वल्लों ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਤਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ किसके गोली लगी? ये आशु नाम है उसका। आशु कितने साल उम्र होगी? छोटे 17-18 साल लगभग है। अच्छा, जो हमलावर थे कितने थे, कुछ पता चल पाया आस पड़ोस से? ये तो पता नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। क्योंकि क्या करते हैं, यहाँ पर काफी बंदे मतलब ऐसे थे, लेकिन यहाँ के कोई नहीं था। अच्छा, आशु की उम्र तो 17-18 साल है, तो क्या यहाँ पे बैड करेक्टर है, क्या बदमाश वगैरह? दुकान है, क्या कहते हैं, दुकान के अंदर पैंट हो रहा था। चिड़िया वाली दुकान है की, तो दुकान के अंदर पैंट हो रहा था। इसी दौरान क्या कहते हैं, बता रहे कि यहाँ पर बंदे आए, क्या कहते हैं, गोली मार दी। ठीक है, और ये कहाँ पे गोली लगी इसके? जी ये बिल्कुल इसकी दुकान के सामने। नहीं, आशु के कहाँ पर गोली लगी? जी बता दो, सर में रहे, मुझे भी कल नहीं पता, मुझे भी यहाँ से पता लगा कि सर में गोली मारी गई। सर पे गोली लगी। ठीक है, एक गोली लगी है यहाँ? हाँ, वैसे तो एक दो गोली बता रहे की, दो गोली, एक गोली मतलब लगी। अभी हमें कंफर्म नहीं, अभी हम आके देखा तो यहाँ भीड़ सी लग रही थी। ठीक है, दौरान हम देख रहे। मैं घर में थी, मुझे दो तीन बच्चों ने आके मैंने बताया कि आशु भाई की चोट लग गई है। मैं गई देखने के लिए, उसका बहुत खून बह रहा था। फिर मैं हॉस्पिटल ले गई, वो फेंट करने के लिए आया हुआ था। और बड़े भाई का मैंने कॉल लगाया, उनका कॉल जा तो रहा था फोन, लेकिन उठाया नहीं। अब यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से आई, मेरे के तब मालूम पड़ा, वहाँ पे खून पड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने देखा। फिर उन्होंने ताला तोड़ा, उसके बाद में उनकी बॉडी बाहर निकाली, अब हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, किस चीज से मारा हुआ था उसको? गोली लगी है सर। गोली लगी है, डॉक्टर्स ने बताया था। कहाँ पे गोली मारी थी सर? एक इस साइड की लेफ्ट और एक इस साइड। और ये दोनों भाई सगे थे ना? जी। क्या नाम थे दोनों? एक बड़े वाले का नाम इरशाद है, छोटे का नाम शाहिद है। इरशाद के कहाँ गोली लगी थी? इरशाद के सर अभी नहीं पता चला उनका, अब पुलिस वाले आएंगे तब मालूम पड़ेगा कहाँ जाएगा। और दूसरे वाले को? दूसरे डेड बॉडी में थे हॉस्पिटल में, सुबह देने के लिए बोल रहे हैं। ओके, और क्या दुश्मनी थी, किस लोगों ने मारा, किन लोगों ने? ये मुझे कुछ नहीं मालूम,
तो उस टाइम घर पे कोई नहीं था इरशाद जब घर पे था? नहीं बस मैं ही थी, हम दो ही तीन बहन भाई रहते हैं, बाकी भाभी गांव गई हुई है, पांच छह दिन हो गए उनको गए। तो आपको पता नहीं चला कि आपके नीचे? मुझे आवाज ही नहीं आई, मेरी फ्रेंड्स थी उनके साथ में बैठी हुई थी उसी टाइम आई थी। किस तरह पता चला फिर आपको? मुझे बच्चों ने आके बताया कि भैया की चोट लग गई है, फिर मैं हॉस्पिटल ले गई थी। तो किसी पे कोई शक? सर शक तो नहीं है, पर एक बार लड़ाई हुई थी ईद के टाइम, इमरान और इमरान से मेरे छोटे भाई थी। अब ये नहीं पता वही बदला उन लोगों ने लिया है या फिर कोई और कर गया मालूम नहीं। अभी क्या कुछ कर रही है पुलिस? सर अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, देखो बताते हैं क्या, क्योंकि अभी बड़े भाई को भी मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ है। इरशाद क्या करता था? इरशाद एमएलए की गाड़ी चलाते थे, बग्गा जी की ड्राइविंग थी, और छोटा भाई शाहिद वो कार्य करता था एसी का रिपेयर। और जो ये टेलर की दुकान है ये कौन रन करता? हमारे पापा काम करते थे, जॉब नहीं है, पापा भी नहीं, मम्मी भी नहीं। मिल गए कैमरे? कुछ पता नहीं चल पाया किस वजह से इतना बड़ा कांड करा इन लोगों ने? इसके बारे में वो कभी नहीं बढ़ गया, वो तो क्या करने के बाद देने थोड़े सरकारी कर रहे हैं, मम्मी ने पता नहीं था कि आगे कुछ लड़ाई होगी।